hello learners welcome back to my youtube channel today i'm here with the third video from the chapter nationalism in india guys i have already uploaded two videos from this chapter if you don't watch them then please check it out on my channel and uh, are you ready for our today's video okay let's get started स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन में बनकर रेडी हो गया था उसके बावजूद हमने उसको ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी में इम्प्लीमेंट क्यों किया जब वो ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था उसके द्वारा अपना लिया गया था तब हम हमारा रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को सेलिब्रेट क्यों करते हैं आप में से बहुतों का जवाब मिला और आप में से बहुतों ने रिस्पॉन्स भी नहीं किया तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था इसमें क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जब पूर्ण स्वराज यानी कि दिसंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी और अनाउंस किया था कि ट्वेंटी ऑफ जनवरी 1930 को हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इन लोगों ने किया एंड प्रॉपर मैनर में प्लेस भी ली गई थी जो आपकी बुक में दी गई है आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं रीड कर सकते हैं अब उसके बाद एक और सिकिंग इंसिडेंट हुआ था लास्ट वीडियो में जिसे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था बावजूद उसके आपने किसी ने भी कोशिश नहीं की या किसी ने भी मुझे कमेंट नहीं किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का रीज़न क्या था स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि जो मूवमेंट uh, है वो वायलेंट हो गया था एंड गांधी जी की थ्योरी नॉन वायलेंस की थी उनके आइडियल्स जो थे वो नॉन वायलेंस पे डिपेंड uh, थे या बेस्ड थे तो इस वजह से उन्होंने फेबररी 1922 में अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिसमिस कर दिया था बट ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था कोई प्रॉपर इंसिडेंट हुआ था या सीक्वेंस में जो इंसिडेंट्स थे वो होते चले आ रहे थे नो बोथर्ड बोदर्ड अबाउट टू नो दैट वट वॉज हैपन्ड देयर व्हाई द महात्मा गांधी डिसाइडेड टू डिसमिस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वैन इट रीज ऑन इट्स पीक so let me tell you one thing and let me clear that uh, incident UP उत्तर प्रदेश के अंदर एक place है चोरा चोरी ठीक है चोरा चोरी jahan पर लोग जो हैं वो पीसफुली मार्च पास्ट कर रहे थे देन एक पुलिस स्टेशन था वहाँ के पुलिस मैन ने उन्हें रूट डाइवर्ट करने के लिए कहा बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रूट डाइवर्ट करने से और कहा कि हम कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वी आर जस्ट मार्च पास्ट पीसफुली है एंड प्लीज अलाउ अस लेकिन उस क्राउड की बात पुलिस मैन ने नहीं सुनी और पुलिस मैन ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी उस फायरिंग से क्राउड इतना अग्रेसिव uh, हो गया कि उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने ऑल द पुलिस आई थिंक इट वाज ट्वेंटी टू पुलिस पुलिस मैन वॉर देर उन सभी पुलिस मैन को उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और उस फायर में ऑल द ट्वेंटी टू पुलिस मैन वॉर डाइड जब ये न्यूज़ महात्मा गांधी के पास पहुँची ही फेल्ट वेरी डिसहार्टेड। उन्होंने कहा कि मैं जो आइडियोलॉजी इतने दिन से लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ लोगों ने उसे समझा ही नहीं मैंने स्पेशली कहा था कि नॉन वायलेंस के साथ ही हमें अपनी लड़ाई लड़नी है हमें अपने राइट के लिए फाइट करना है इवन देन इंसिडेंट हो कैसे गया और इसी इंसिडेंट से दुखी होकर आहत होकर महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिसमिस किया था अब हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था कि 1928 में जब साइमन कमीशन आता है उसके बाद उसको ओपोज किया जाता है लॉर्ड इरविन डोमिनियन स्टेटस की अनाउंसमेंट कर देती हैं राँ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और आ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तैयारी भी हो चुकी होती है कांग्रेस उसको परमिशन दे चुकी होती है अब उसी समय पर एक और इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट है सॉल्ट पर टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली चाहती थी जिसकी वजह से उन्होंने सोल्ट प्रोडक्शन की मोनोपोली को लेने के लिए सोल्ट टैक्स इम्पोज कर दिया और महात्मा गांधी ने कहा कि जो जो सॉल्ट है वो हमारे फूड का एक अशेंशल आइटम है वो चाहे पुअर हो या रिच देन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये बिल्कुल ही रोंग डिसीज़न है इस तरह से उन्हें सॉल्ट पर टैक्स इम्पोज नहीं करना चाहिए था और हम इसको ओपोज uh, करते हैं हम उनके इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा और अपनी इलेवन डिमांड्स उनको बताई उन्होंने लॉर्ड इरविन को uh, कहा कि मैं यदि आप मेरी डिमांड्स को नहीं सुनते हैं तो मैं एक लार्ज स्केल पर मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा बट लॉर्ड इरविन इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे यहाँ पर महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट जो है वो रिच और पुअर दोनों के फूड का असेंशल आइटम है इसलिए जो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है उसे फिल करने के लिए सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल हो सकता है और उन्होंने उसी पावरफुल सिंबल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हिंदू सॉरी रिच और पुअर के बीच के गैप को फिल करने के लिए यूज किया उन्होंने जनवरी को, को लिखा 11 डिमांड्स की बात की बट लॉर्ड इरविन ने कहा आप इलेवन की बात कर रहे हो मैं तो एक भी नहीं मानने वाला आपको जो करना है करिए आई डोंट केयर अब महात्मा गांधी भी कहाँ मानने वाले थे उन्होंने इलेवन जब अल्टीमेटम के बाद कोई जवाब नहीं आया और उनकी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया इरविन ने झुकने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने सेवेंटी एट ट्रस्टेड वॉल्टियर्स के साथ सोल्ट मार्च की स्टार्टिंग करी और यह यात्रा जो है वो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जो था उससे दो सौ चालीस किलोमीटर दूर एक तटीय इलाके यानी कि एक कोस्टल एरिया डांडी पर जाकर ख़त्म होने वाली थी महात्मा गांधी ने लगातार 24 डेज तक वो चले हैं और रोजाना लगभग दस मील का सफर उन्होंने तय किया जब भी बीच में महात्मा गांधी रुकते तो वो अपने स्वराज का मीनिंग लोगों को समझाते लोगों को एड्रेस करते थे और जब महात्मा गांधी एड्रेस करते तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड लोग बहुत चाव से उनको सुनते थे महात्मा गांधी को लगा कि आ, ये अपनी इस यात्रा के दौरान ही मैं लोगों को अपना स्वराज का मीनिंग क्लियर कर दूंगा क्योंकि उससे पहले जब मैंने स्वराज बताया तो लोगों ने अपना ही मतलब निकाल लिया और हमने थ्री एग्जांपल्स अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जिसमें हमने अवध के पीजेंस की बात की थी आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के पीजेंस की बात की थी और हमने असम के प्लांटेशन वर्कर्स की बात की थी जिनके लिए स्वराज का एक अलग ही मीनिंग था जो कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में कहीं भी फिट नहीं हो रहा था तो महात्मा गांधी जहाँ जाते और वो स्वराज का मीनिंग्स क्लियर uh, करने की कोशिश करते लोगों को एड्रेस करते उन्हें समझाते कि मेरे लिए स्वराज का मतलब क्या है और आप भी उसी मतलब को समझें एंड एट लास्ट सिक्स फ्रैल वो फाइनली वो दांडी पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के पानी को उबाल कर नमक को सॉल्ट जो रूल बनाया था उसको तोड़ देते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं जैसे ही दांडी यात्रा ख़त्म होती है वैसे ही सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक क्लियर एक क्लियरिटी नहीं होती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था हाउ वाज़ द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो लोगों को कहा गया था कि उन्हें रिफ्यूज़ करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कापोरेट करने से लेकिन इस बार बात की गई है रूल्स को तोड़ने की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें कोई रूल ब्रेक नहीं करना है बट हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है यहाँ हमें कॉपरेट ना करने के साथ साथ रूल भी ब्रेक करना है तो दिस इज द बेसिक रीजन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके अंदर भी लोगों ने जहाँ पर गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पर जाकर जा डेमांसट्रेट किया और सॉल्ट बनाया जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया गया लिकर शॉप्स को अगेन पिकेटेड किया गया पीजेंट्स ने जो टैक्सेस थे रेवेन्यू थे उनको देने से मना कर दिया विलेज ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया जो फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे थे फॉरेस्ट पीपल उन्होंने रिजर्वड फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दिया टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज दियर कैटल्स तो जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ अब मूवमेंट लोगों के अंदर इतनी पावर थी वो इतने मोटिवेटेड थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि यदि मूवमेंट इसी तरह से चलता रहा तो बहुत ही जल्द एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपना रूल यहाँ पर बना लेंगे और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा तो उन्होंने एक रिप्रेसिव मैथड अपनाया उनके पास एक ही तरीका होता था जो मूवमेंट को लीड कर रहा है यानी लीडर उसे अरेस्ट कर लो तो उन्होंने भी ऐसे ही किया जो खान अब्दुल गफाल खान थे जो कि महात्मा गांधी के एक बहुत ही ट्रस्टेड डसपल थे उन्हें अप्रैल थर्टी में अरेस्ट कर दिया गया जिससे जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया उन्होंने शॉप्स पर जहाँ जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था उन सभी पुलिस स्टेशंस कोर्ट्स रेलवे स्टेशनस सब पे अटैक करने शुरू कर दिए और इसी बीच गवर्नमेंट ने भी बहुत रिप्रेसिव मेथड अपनाया उन्होंने जो भी पीसफुल मार्च कर रहे थे सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया उन्हें पीटा गया और पीटते समय बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखा गया कि औरतें बच्चे बूढ़े जवान उन्होंने जो सामने आया उनको लाठियाँ बरसाई हैं और लगभग एक लाख के लगभग लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जब ये मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये दबने वाला नहीं है तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लॉर्ड इरविन को भेजा गया लॉर्ड इरविन वही व्यक्ति हैं जो भारत में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑर्डर्स सारे इंग्लैंड से आते थे वो केवल इंडिया में उनको रिप्रेजेंट कर रहा था उन्हें इम्प्लीमेंट करवा रहा था तो वॉयस राय थे वो यहाँ के उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जाकर के महात्मा गांधी से मिलें उनसे बात करें और फिफ्थ ऑफ मार्च नाइनटीन थर्टी वन को आपकी बुक में डिटेल नहीं गई दी गई है स्टूडेंट्स सो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए फिफ्थ मार्च नाइनटीन को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसे इरविन गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है इसके अंदर कंडीशंस क्या थी महात्मा गांधी ने कंडीशन रखी थी कि नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के टाइम पर ऐसे वॉलेंटियर्स जो किसी भी वॉइलेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था उसका पार्ट नहीं थे उन सभी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री कर देगी और लॉर्ड इरविन ने गांधी के सामने शर्त रखी थी पहली बात कि वो जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है उसे डिसमिस कर देंगे एंड सेकंड वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिशिपेट करेंगे दिस इज गांधी इरविन पैक्ट व्हिच वाज साइंड ऑन फिफ्थ ऑफ मार्च 1931 आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ और आप समझ गए होंगे कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था और उस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो कांग्रेस है और जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने उस पैक्ट को माना और नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसमिस कर दिया गया और दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए और जहाँ पर उन्हें बहुत ही निराशा हाथ लगी और वो फेल होकर वापस आ गई स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हैं वो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आर इंडियन लीडर्स और कांग्रेस जो है उन्होंने फर्स्ट और थर्ड यानी कि दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट uh, किया था उसका पार्ट नहीं बने थे केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो दिसंबर 1931 में हुई थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था तो केवल एक ही ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको डिच किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें लंदन भेजकर किसी भी वॉल्टियर्स को रिलीफ किया ही नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल के अंदर थे। जो कांग्रेस थी उनको उसको एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया था मीटिंग्स पब्लिक मीटिंग्स डेमोस्ट्रेशन्स और बायकॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और अब महात्मा गांधी को लगा कि इस धोखे का बदला उन्हें देना चाहिए और उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया लेकिन इस टाइम लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं था फर्स्ट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीक पे जाके गांधी जी ने डिसमिस कर दिया सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल डर चुकी थी और जब वो पीक पर था तब उसको डिसमिस कर दिया गया तो लोगों को लगा कि आ, ऐसे हम एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बट रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है तो लोगों को मोटिवेशन का कोई सोर्स ही नहीं मिला तो जो सेकंड टाइम सिविल मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया एंड फाइनली इन 1934 ये मूवमेंट बिल्कुल ही एक तरह से समाप्त हो गया था अब हम बात करते हैं कि जो सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने कैसे उसके अंदर पार्टिसिपेट किया विलेजेस के अंदर जो पीजेंट कम्युनिटी थी जैसे गुजरात के पाटीदार यूपी के जाट ये इन सब ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लेकिन जो लगातार ट्रेड के अंदर व्यापार के अंदर जो नुकसान हो रहा था और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनकी जो प्राइसेस लगातार गिर रही थी उससे वो काफ़ी Dance थे काफी चिंतित थे उनकी जो एक तरह से आप कह सकते हो कैश इनकम बिल्कुल ही खत्म हो गई थी अब यहां पर आपको समझना है कि एक पीजेंट के लिए कैश इनकम क्या है एक पीजेंट के लिए जब उसकी फसल कट कर तैयार होती है और जब उस फसल को वो मार्केट में बेच कर आता है तो उसके बदले में उसे जो इनकम मिलती है उसे कैश इनकम कहा जाता है अब ट्रेड के अंदर इतना डिप्रेशन था इतना नुकसान हो रहा था लगातार जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी कीमत इतनी कम हो गई कि लोगों को बेचना अपना सामान जो था अपने जो गुड्स थी वो बेच ही नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से उनको कैश इनकम नहीं मिल पा रही थी कैश इनकम नहीं होगी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या अपने लैंड को या जो तालुकदास थे उनको रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी रेवेन्यू कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी तो चारों तरफ से लोग बड़े अनसेटिस्फाइड थे इसलिए उन्होंने उन्हें लगा कि शायद महात्मा गांधी जो कह रहे हैं जब स्वराज आएगा तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स से को का सोल्यूशन मिल जाएगा इसलिए उन्होंने एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेटेड किया और उनकी ये लड़ाई जो स्वराज की लड़ाई थी महात्मा गांधी की उनके लिए उस उन सब प्रॉब्लम्स की का सलूशन था जब नाइनटीन थर्टी वन में गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया और उस आंदोलन के वापस लेने से जो पीजेंट्स अपनी रेवेन्यू को कम कराने के लिए उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे उनका तो रेवेन्यू कम हुआ ही नहीं और बगैर रेवेन्यू कम हुए ही महात्मा गांधी ने उसे वापस ले लिया तो उन्हें लगा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें समझा ही नहीं गया तो जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि बहुत सारे जो पेजेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे और उनके पास अपनी जमीन नहीं थी वो दूसरे बड़े किसानों के यहाँ पर रेंट पर लेकर के खेती बाड़ी करते थे उनका जो झगड़ा था उनका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि ये सब जो है ये समाप्त होना चाहिए और जो लैंड है जब वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो लैंड पर उनका ही राइट होना चाहिए बट अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की बिजनेस की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे या जो बिजनेस थे उनको बड़ी आ, आप कह सकते हो बहुत भारी मुनाफा हुआ था प्रॉफिट हुआ था और अब वो काफ़ी स्ट्रोंग हो गए थे इट मीन्स इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको बेनिफिट कैसे हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो सारा फोकस वॉर पे होता है और इंग्लैंड से आने वाला सामान यह नहीं पहुंच पाता क्योंकि इंग्लैंड जो है वो टोटली वॉर पर फोकस कर रहा था तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस सबसे पहले बंद हो जाता है जब वहाँ से कुछ इम्पोर्ट नहीं होगा तो यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं उन्हें मौका मिला कि वो अपने प्रोडक्शन को डबल करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की वॉर के लिए यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो सेटिस्फाइड करें और उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जिससे वो काफ़ी फ्लरिश्ड सिचुएशन में हो गई थी अब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इसके लिए उन्होंने एक फेडरेशन uh, भी बना ली थी फेडरेशन ऑफ़ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फिक्की 1927 ट्वेंटी में बना ली गई थी जिसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी डी बिरला जैसे जो लीडर थे वो लीड कर रहे थे ये सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो इन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इनकी कंडीशन ये थी कि ये इस मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड तभी करेंगे जब जो भी इम्पोर्टिड जो इम्पोर्ट होता है सामान उस गुड्स को जो भी वॉल्टियर्स uh, हैं वो ख़रीदने और बेचने से मना कर देंगे उन्हें लगा कि जब कॉलोनियल uh, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं होंगी तो वो अपने ट्रेड uh, को अपने इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा स्ट्रांग uh, बना पाएंगे उन्हें और ज़्यादा पढ़ा पाएंगे लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया और बिजनेसमैन से कांग्रेस को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस वो कांग्रेस कौंग, की बन गई थी तो जो बिजनेसमैन थे उन्हों वो कांग्रेस उनको नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा था जैसे जैसे बिजनेसमैन कांग्रेस पार्टी के नज़दीक आते चले गए लेबर्स पीजेंट्स ये सब कांग्रेस से दूर होते चले गए अभी हमने बात की पीजेंट्स की फिर हमने बात की बिजनेस की एंड वाट अबाउट द लेबर्स जो लेबर क्लास थी उसके लिए इस सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट का मतलब क्या था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में जो लेबर क्लास थी उन्होंने नागपुर के अलावा और कहीं पर भी ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं किया उन्हें लगा कि जब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं कांग्रेस uh, जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर्स को एक साथ कैसे सपोर्ट कर सकती है तो लेबर्स जो हैं वो उनके लिए स्वराज का मतलब केवल अपने वेतन जो उनको बहुत कम सैलरी uh, मिलती थी उस सैलरी को बढ़ाना और वर्किंग कंडीशंस को एक बेटर वर्किंग इन्वामेंट में चेंज करवाना था जिसके लिए रेलवे वर्कर्स ने 1930 में डॉग वर्कर्स ने 1932 में हड़ताल भी की थी स्ट्राइक्स की और छोटा नागपुर के जो टीन माइंस के जो वर्कर्स थे 1930 में उन्होंने गांधी कैप पहन कर के रैलीस की और कैंपेन बाइकॉट कैंपेन चलाया लेकिन कांग्रेस को लगता था कि यदि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे दूर चले जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें उनकी जो एंटी इम्पीरियल फोर्सेस हैं वो उनके अंदर फूट पड़ जाएगी और वो बिल्कुल भी बिजनेसमैन का आ, को वहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सॉरी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ पकड़ा जबकि लेबर्स और पीजेंट्स को उनके हालत पर छोड़ दिया अब जो सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट था उसके अंदर हम वुमेंस की पार्टिसिपेशन की बात भी कर लेते हैं कांग्रेस जो है पहले ये सोचती थी कि महिलाओं का काम केवल घर संभालना है बच्चे संभालना है लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो औरतों ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड किया उन्होंने रैलीज़ में पार्टिसिपेट किया उन्होंने सॉल्ट बनाया उन्होंने जो लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने फ़ोरन क्लोथ्स को बायकॉट किया बहुत सारी जो वूमेंस थी वो जेल में भी गई इन सब काम के लिए तो महात्मा गांधी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि जिनके बारे में वो ऐसा सोचते थे अब वो महिलाएं ही अपने नेशन के लिए एक कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड कर रही हैं अब महात्मा गांधी जी ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि घर चलाना चूल्हा चौका संभालना अच्छी माँ अच्छी पत्नी की ये जो भूमिकाएं हैं ये औरत का असली कर्तव्य है लेकिन इसके अलावा वो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन और वक्त पढ़ने पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन की भूमिका भी निभा सकती हैं एंड नाउ टॉक अबाउट द सिविल लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हमने अभी तक बात किया कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन कुछ मूव कभी भी कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे थे जो एकदम से इस स्वराज के कॉन्सेप्ट से अभी भी एब्स्ट्रैक्ट थे और वो थे अनटचेबल्स जिन्होंने कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है जो 1930 में जो दलित थे या जो अनटचेबल थे उन्हें अनटचेबल का मतलब समझते हैं आप लोग यानी कि जिसे आप छूना भी पसंद ना करें तो जो जिन्हें लोग बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था एंड कांग्रेस uh, जो है उन्होंने भी दलित्स को काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर किया था बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द हिंदूज़ जो सनातनी सनातन धर्म के जो कास्ट हिंदूज थे उनकी डर की वजह से कांग्रेस ने भी एक लंबे टाइम के लिए जो दलित से उन्हें इग्नोर किया था और उस समय पर महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य जो है हम कभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे यानी सौ साल तक भी यदि हम मूवमेंट करते रहें तब भी हम जो स्वराज है वो नहीं इस्टाब्लिश कर पाएंगे जब तक हम इन अनटचेबल्स की जो मेन्टेलिटी है इसको ख़त्म नहीं कर देते हैं और महात्मा गांधी ने ही उन्हें सबसे पहले जो अनटचेबल थे अनटचेबल्स से उन्हें हरिजन नाम दिया था हरिजन जन हरी जन हरी का मतलब भगवान जन का मतलब आदमी बंदा यानी हरी का बंदा भगवान का बनाया हुआ बंदा तो अनटचेबल्स को हरिजन सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था अब ये अनटचेबल्स थे कौन अनटचेबल्स को उन्हें टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था पब्लिक वेल्स टैंक्स रोड्स स्कूल्स में वो जा नहीं सकते थे स्वीपर्स जिन्हें भंगी कहा जाता था जो अपनी टॉयलेट्स वग़ैरह साफ़ करते थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था और टॉयलेट साफ़ करने के अलावा जब महात्मा गांधी को लगा कि लोगों का मेरे कहने पर भी जो है वो हृदय उनका नहीं बदल रहा है वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और मैं इस अनटचेबलिटी के सिन यानी पाप को कैसे दूर करूं तो उन्होंने खुद टॉयलेट से साफ करने शुरू किए ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई ईगो नहीं है या कुछ उनके उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर बात नहीं आने वाली है और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इन सब लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि आप कह सकते हो निर्माता हैं वो खुद एक दलित थे उन्होंने नाइनटीन थर्टी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक गठित की थी और इन्होंने जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन् जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो महात्मा गांधी के साथ इनका काफ़ी विवाद हुआ था इनका काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे और महात्मा गांधी को लगता था कि यदि दलित्स को इस तरह से सेपरेट कर दिया गया तो इनके बीच का जो गैप है वो कभी भी फिल नहीं हो पाएगा और ये हमेशा ही बट कर रह जाएंगे जैसे हिंदू मुस्लिम बट गए हैं ऐसे ही ये लोग भी बट जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की बात मान ली थी तो गांधी जी ने कहा कि मैं आमरण अनशन करूँगा यानी कि फास्ट अन डेथ जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं फास्ट करूँगा तो आमरन अनशन पे बैठ गए थे ये तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता कराया गया उनके बीच में एक पूना के अंदर एक पैक्ट साइन किया गया था जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है नाइनटीन थर्टी टू में गांधी जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है ये सितंबर 1932 में हुआ किसके बीच में हुआ महात्मा गांधी और डॉ डौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स में था क्या यानी कि कुछ शीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी जाएं उस इलेक्टोरेट से केवल दलित ही चुनकर आ सकते हैं कोई और व्यक्ति वहाँ पर नहीं आएगा तो इन दोनों के बीच में जब पैक्ट साइन हुआ तो महात्मा गांधी ने भी अपनी जिद छोड़ दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थोड़ा झुके और उन्होंने जो प्रोविनेशियल और सेंट्रल लेगिसलेटिव काउंसिल्स थी उसमें कुछ रिजर्वड कुछ शीट्स रिजर्वड कराई गई स्पेशली ए, उनके दलितों के लिए और ये जो था ये जनरल जो इलेक्टोरेट एरिया था उसी से आता था जो दलित मूवमेंट है वो कुछ कांग्रेस के नेतृत्व में चलता रहा हालांकि जो नेशनल मूवमेंट था उसे जो दलित हैं वो हमेशा डाउटफुल निगाहों से ही देखते थे उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है जिन्होंने पेजेंट्स की बात नहीं सुनी जिन्होंने बिजनेस मैन को चुना जिन्होंने लेबर क्लास को छोड़ दिया तो वो आ, क्या हमारे ही बात को लेकर के वो स्टेबल रहेंगे तो हमेशा उन्हें उनकी मंशा के ऊपर कांग्रेस की मंशा के ऊपर हमेशा डाउट ही रहता था और इन दलितों के अलावा एक और ऐसा सोशल ग्रुप था मुस्लिम्स का जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो वापस लिया गया तो मुस्लिम्स को लगा कि महात्मा गांधी ने केवल एक इंसिडेंट से इफेक्ट होकर जिस हमारी जिस डिमांड को लेकर के हमने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके बारे में नहीं सोचा और अपने आप निर्णय ले लिया तो जो मुस्लिम सोशल ग्रुप था वो बिल्कुल ही कांग्रेस से कट गया था और उन दोनों के बीच में हमेशा से ही जो रिलेशन थे वो खराब रहे दोनों समुदायों के बीच में रिलीजियस जो रैलीज थी वो निकाली जाने लगी और उनके बीच में बहुत सारे ये आप कह सकते हो कम्युनल क्लासेस और राइट्स होने लगे तो हिंदू और मुस्लिम जिस को कंबाइन करने के लिए यूनाइट करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को चुना था वही मूवमेंट असहयोग या खिलाफत मूवमेंट आप कह सकते हो वही मूवमेंट अब उनके बीच में डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ने का रीज़न बन गया था बट इन 1927 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से समझौता हो जाता है और इनके बीच में सबसे ज़्यादा जो मतभेद वाली बात थी वो थी आ, क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट व टू बी इलेक्टेड यानि कि भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व का जो सवाल था रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल था वो सबसे इंपॉर्टेंट uh, इनके बीच में डिफरेंस था अब जो मुस्लिम लीग थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना जो हैं उन्होंने भी अब जिस डिमांड को अंबेडकर जी की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था अब वही डिमांड जो है मुस्लिम लीग करने लगी थी कि मुस्लिम्स को अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए उन्हें भी एक उनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए हाँ यदि मुस्लिम्स को एश्योर किया जाए कि सेंट्रल असेंबली या ऐसा एरिया जैसे कि जो प्रोविन्शियल मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविन्सिस हैं जैसे बंगाल और पंजाब यदि वहाँ में उन या वहाँ उन स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में यदि सीट रिजर्वड कर देती हैं तो जिन्ना या मुस्लिम लीग अपनी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड को छोड़ देगी वंस अगेन आई क्लियर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए बट उन्होंने एक कंडीशन भी रखी थी कि यदि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेंट्रल असेंबली के अंदर उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट रिजर्वड कर दिए जाएं स्पेसिफिक वो रीजन जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन रहती है जैसे बंगाल और पंजाब तो वो अपनी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की जो डिमांड है वो छोड़ देंगे और इसके ऊपर ऐसे ही जो डिबेट जो है चलती रही और लास्ट में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में बुलाई जाती है जिसे एम आर जायकर जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे वो लीड कर रहे थे उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने खुलेआम इन मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको खुलेआम उसको चैलेंज किया जिससे जो नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो जब सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में और मुस्लिम जो है वो किसी भी ऐसे मूवमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते थे जिसमें हिंदू भी उनके साथ मिले हों यानी कि हिंदुओं के साथ मिलकर वो कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहते थे एंड ये जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के एक डिसीजन से वापस लेने की वजह से हुआ था अब वो हिंदुओं को या कांग्रेस को एक ट्रस्ट वर्दी एसोसिएशन नहीं मानते थे उन्हें ट्रस्ट नहीं था अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे इतने सारे सब कुछ चल रहा था तो जो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना है यानी हिंदू और मुस्लिम्स या जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको कैसे उनके बीच में एक यूनिटी की भावना बनाई जाए तो ये तभी संभव होता है जब जो लोग होते हैं वो खुद को उस नेशन का पार्ट समझते हैं नेशनलिज्म

खुद को एक नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आती है और खुद को उस नेशन का पार्ट समझने लग जाते हैं बट हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज रीजन्स और लैंग्वेज डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अब ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी ये आई थी उन एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने यूनाइट जो स्ट्रगल की थी उससे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रोसेसेस थी जिनके द्वारा लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा रही थी हिस्ट्री और फिक्शन यानी कि साहित्य फोकलोर यानी कि लोक कथाएँ सॉन्ग्स यानी गीत पॉपुलर प्रिंट्स यानी कि चित्र एंड सिंबल यानी प्रतीक ये सब वो चीजें थी जिन्होंने एक कलेक्टिव नेशनलिज्म या कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को स्ट्रोंग बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी भारत माता की ये जो तस्वीर है ये जो आइडेंटिटी थी नेशन की वो सिंबलाइज्ड की जाती थी एक फिगर से या एक तस्वीर से जिससे जो लोग हैं वो खुद को उस छवि को अपने आ, नेशन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और ये जो आइडेंटिटी थी ये थी इमेज ऑफ भारत माता और इस इमेज को सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया था 1870 में उन्होंने अपनी मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि को समर्पित करते हुए एक उनकी उनका वंदन करते हुए वंदे मातरम भी लिखा गया था जिसे बाद में उनके नोवेल आनंद मठ में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था बंगाल के अंदर स्वदेशी यानी अपना देश स्व मैंने आपको जब तभी भी बताया था जब हम स्वराज की बात कर रहे थे स्व मतलब अपना देशी मतलब जो हमारे देश में बनने वाले गुड्स हैं ठीक है तो जब बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चला था तो उसको वंदे मातरम को गाया जाता था और लेटर ऑन उसको आनंद मठ उनकी एक बुक थी जिसमें उसको इंक्लूड किया गया था फर्स्ट इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया है एक और वह बहुत काम हैं देवी के रूप में उनको दिखाया गया है composed हैं divine हैं spiritual हैं uh, इस पेंटिंग के अंदर भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर्स इज काम composed, डिवाइन एंड spiritual। लेटर ऑन ऐसे बहुत सारे कलाकार आए जिन्होंने अलग अलग तस्वीरों से और अपनी लोक कथाओं से अपने वॉक से अपने राइटिंग uh, से लोगों को इम्पैक्ट किया ऐसी लोक कथाएं जिन्हें लोग गांव-गांव जाकर घूम घूम कर लोगों को सुनाते थे ताकि लोगों के अंदर एक कलेक्टिव सेल्फ़ बिलोंगिंग की जो फीलिंग है वो उनके अंदर आ सके ये एक दूसरी इमेज है जिसमें जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने इंडिया का मैप और भारत माता की जो तस्वीर है उसको अपने हृदय से लगा रखा है उस समय पर ऐसे बहुत से चित्र बनाए जाते थे जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपना जो सिर है वो भारत माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं ये उनके एक सेक्रीफाइज का अपनी माँ के लिए एक अपनी मदर लैंड के लिए सेक्रीफाइज को डिनोट कर रहा था और ऐसे जो इमेजिनेशन थी वो उस समय पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी मद्रास के अंदर एक नटेशा शास्त्री जो हैं उन्होंने एक अपनी फोर बुक्स की फोर पार्ट्स में अपनी एक बुक द फोकलोर ऑफ द सदरन इंडिया को पब्लिश करवाया था जिसकी फोर वॉल्यूम्स थी एंड ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर इट वॉज द मोस्ट ट्रस्ट फॉर दी ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनका मानना था कि लोगों के जो असली विचार हैं विशिष्टताओं की जो सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है वो यही है और नेशनल मूवमेंट के ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए गए फिर लेटर ऑन फ्लैग जो ट्राई कलर फ्लैग था जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रहा था तो वैसे वैसे नए नए जो इमेजिनेशंस थी नेशन नए नए जो प्रतीक थे वो निकल रहे थे तो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था तो ट्राई कलर फ्लैग जो कि रेड ग्रीन और येलो कलर का था उसे डिज़ाइन किया गया था एंड इट हैड एट लॉट रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स यानी कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चला था तो उस समय पर तिरंगा यानी हरा पीला और लाल रंग का तैयार किया गया था जिसमें कमल के जो आठ फूल हैं वो दिखाए गए थे जो कि ब्रिटिश भारत के आठ जो प्रोविनेसिस थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक आधा चाँद भी दिखाया गया था जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था फिर नाइनटीन ट्वेंटी वन में आ, here, फिर 1921 ट्वेंटी वन में जो आ, गांधी जी हैं उन्होंने भी एक स्वराज फ्लैग बनाया था डिज़ाइन किया था जिसके अंदर रेड ग्रीन एंड वाइट कलर होता था इसके बीच में स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर यानी कि उनका जो चरखा था स्पिनिंग व्हील वो उसके बीच में बनाया गया था जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था गांधी का जो आइडिया था सेल्फ हेल्प का यानी कि स्वावलंबन का उसको प्रेजेंट कर रहा था और जब भी कोई रैलीज होती थी तो उस फ्लैग को कैरी किया जाता था ताकि वो एक सिंबल बन सके लोगों के बीच में और लोग उसको पहचाने और अपने आप को कनेक्ट फील करें अच्छा इसके अलावा एक और भी तरीका था उन्होंने देखा कि ये सब तो है लेकिन जो हिस्ट्री है हमारी उसे भी एक अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते आते जो इंडियंस थे उन्होंने आ, ये महसूस किया कि जो राष्ट्र के प्रति यानी कि हमें अपने नेशन के प्रति यदि सेंस ऑफ प्राइड जगानी है तो हमें इंडियंस हिस्ट्री का जो मेथड है पढ़ाने का उसे एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस को बैकवर्ड प्रिमेटिव इनकैपेबल मानते थे और जिसमें इंडियंस ने अपने आप की जो अचीवमेंट्स थी इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स थी उनको डिस्कवर किया लोगों को उनको बताया गया उन्हें बताया कि आर्किटेक्चर साइंस मैथमेटिक्स रिलिजन कल्चर लॉ फिलासफी, क्राफ्ट ट्रेड एंड फ्लारिस्ट यानी कि ये कैसे फल फूल रहे थे प्राचीन काल में विदाउट दी हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स उन्होंने बताया कि इस महान युग के पतन का जब समय आया और जब भारत को ग़ुलाम बना लिया गया तब अंग्रेज़ों ने हमारे सारी जो क्वालिटीज़ थी हमारी जो सारी अचीवमेंट्स थी उनको भी अपने अंदर ग़ुलाम बना लिया था उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम उस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में चेंज करें उन्होंने पास्ट की जो अचीवमेंट्स थी उन्हें गाना स्टार्ट किया फोक टेल्स के जरिए ताकि लोग जो हैं वो कनेक्टेड फील करें और प्राउड फील करें कि वो किस नेशन के सिटीजन्स हैं और उन्हें अपने नेशन को फ्री कराना ही चाहिए तो ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपनाए गए एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए तो दिस इज योर चैप्टर स्टूडेंट्स and uh, this is uh, my last video i have complete the chapter if you have any doubt regarding any topic you can comment me you can talk to me i will definitely give you the answer and uh, i'm sure main ek video aur banaungi jisme hum question answers ko discuss karenge और मैं सोच रही हूँ एक video मैं आपको हिंदी में भी बनाकर बताऊं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आए अगर आप ऐसी कोई वीडियोज चाहते हैं जो मैंने इमेजिन की हैं तो आप मुझे कमेंट करिए मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी आई होप मेरी वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी एंड इफ दे आर हेल्पिंग इन देअर स्टडीज़ देन कमेंट ऑन मी लाइक माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन क्योंकि बेल बटन प्रेस करने पर ही मुझे आप लोगों को मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेगी सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे